हेलो वांगशिन फैमिली, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं एक न्यू फैन फिक्शन लेके आई हूँ गाइस। इसकी स्टोरी भी काफ़ी यूनिक सी है, हटके है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। मैं ट्राई करती हूँ कि हमेशा आप सभी के लिए एक अच्छी और यूनिक स्टोरी लेके आ सकूँ। बट जो ये फैन फिक्शन है इतना बड़ा नहीं है, इसकी जो स्टोरी है वो डेथ गेम के ऊपर बेस्ड है। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो ये फैन फिक्शन जल्दी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो मैं नेक्स्ट फैन फिक्शन लेके आऊँ वो कौन सा लेके आऊँ। मतलब कि आपको मॉडर्न चाहिए या फिर हिस्टोरिकल चाहिए, या फिर बॉटम वेंग जी चाहिए या बॉटम लावान जी चाहिए, आपको ओमेगा वर्स चाहिए, सिंपल चाहिए, जो भी आपको चाहिए आप लोग प्लीज़ गाइस कमेंट्स कर दीजिएगा। तो जो नेक्स्ट फैन फिक्शन है मैं उसी के अकॉर्डिंग ले आऊँगी। तो बिना किसी देरी के जो आज का जो पार्ट है इसको मैं स्टार्ट करती हूँ। तो गाइस जो इस फैन फिक्शन की जो स्टोरी है उसको फर्स्ट पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये बात है बहुत पुराने कल्टीवेशन वर्ल्ड की। जब जो कल्टीवेशन वर्ल्ड था वो खतरे में था, क्योंकि जो इन आयरन था वो एक बार फिर जागृत हो उठा था। और ये आज से 10-20 साल पहले एक बार फिर मतलब कि किसी ने इकट्ठा कर लिया था और जागृत हो चुका था, जिसको मतलब कि नष्ट करने में बहुत सारे जो कल्टीवेटर्स थे, जो बहुत अच्छे कल्टीवेटर्स थे, वो मारे गए थे। और सभी सेक्ट्स ने अपने बहादुर ही जितने भी योद्धास थे, शक्तिशाली जो उनके जो कल्टीवेटर्स उनको खो दिया था। बट अब जो इन आयरन है वो एक बार फिर से जाग उठा है। और मतलब कि जो खतरा है कल्टीवेशन वर्ल्ड पूरी दुनिया पर, जो पूरे आम लोगों पे, वो फिर से मंडरा रहा है। तो उसके कारण जितने भी जो कल्टीवेटर होते हैं वो टेंशन में होते हैं कि अब क्या किया जाए। मतलब कि जो इन आयरन है वो इतना पावरफुल है कि उसके चलते जो पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड है एक बार में ख़त्म हो सकता है। और अगर वो किसी गलत हाथों में पड़ गया तो बहुत ही बड़ा खतरा हो जाएगा। और इन आयरनों को ख़त्म करने के लिए उन्हें एक मतलब कि स्ट्रांग वेपन की ज़रूरत है। और जो स्ट्रांग वेपन है वो एक मतलब कि ऐसे अरीना, ऐसे प्लेस पे है जहाँ पे उस वेपन को हासिल करने के लिए डेथ गेम खेलना पड़ता है सभी को। और डेथ गेम का नाम से पता लग रहा है कि डेथ गेम है। तो इसमें जितने बहुत सारे कल्टीवेटर जाते हैं, जितने भी मतलब पावरफुल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स होते हैं हर सेक्ट के, वो सेक्ट अपना अपना कल्टीवेटर को भेजता है। और वो जो कल्टीवेटर्स होते हैं वो आपस में मतलब कि सिर्फ कॉम्पिटिशन करके फाइट करके आगे बढ़ते हैं। और आखिर में सिर्फ एक ही कल्टीवेटर होता है और जिंदा बचता है, और बाकी सब के सब मारे जाते हैं। और जिसके कारण जो जितने कल्टीवेटर मारे जाते हैं और एक ही जो डिजर्विंग पर्सन होता है उसको वेपन मिलता है। तो यही रीज़न होता है कि जो जितने भी सेट के जो लोग होते हैं वो डर रहे होते हैं अपने मतलब कि अपने जो उनके जो हायर्स हैं या उनके स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स हैं उनको भेजने के लिए उस डेथ गेम में, क्योंकि आज तक जो भी पर्सन वहाँ गया होता है वो कभी लौट के नहीं आया होता। तो आज वहाँ पे मीटिंग चल रही होती है, मतलब सभी क्लैंस के लोग इकट्ठे हुए होते हैं और आपस में इस बात को लेकर बहस कर रहे होते हैं क्या किया जाए। तो इसी बात पे जो नी क्लैन के जो होते हैं वो उनके जो एल्डर्स होते हैं वो कहते हैं कि वो अपने मतलब सेट के हायर्स को नहीं भेजा जाता, क्योंकि जितने भी आज तक लोग गए हैं कभी वापस नहीं आए हैं और आज तक उन्होंने बहुत सारे लोगों को खोया है। और वो चाहते हैं कि जो उनके जो हायर्स हैं, उनके जो बेटे हैं, वो भी इन सब खो मर जाए या उनका कोई पता ना चले, क्योंकि डेथ गेम में जो आदमी मरता है उसकी बॉडी तक किसी को नहीं मिलती। तो इसी बात को लेकर सब टेंस होते हैं। तो ये सब बात सुनकर जो घुसू क्लैन के जो हेड होते हैं अंकल कुरैन, वो उठते हैं और वो कहते हैं कि हम मतलब कि अपने अपने लालच या फिर अपने बच्चों को बच्चों की ज़िंदगी को देखकर पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड और पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकते हैं, क्योंकि जो इन आयरन है बहुत स्ट्रांग है। अगर हमने इसको कुछ नहीं किया तो सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और अगर हमने अपने जो कल्टीवेटर्स को वहाँ नहीं भेजा, अपने हायर्स अपने बच्चों को वहाँ नहीं भेजा, तो ना जाने की तबाही आ जाएगी। और ना जाने फिर क्या पता हमारा जो सेक्ट है वो भी ना बचे। अभी तो हम एक अपने बच्चों को भेजने डर रहे हैं, और आने वाले टाइम में पता लगे हमारा कोई भी मतलब कि वंश ही ना हो और हमारा जो सेक्ट है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाए। तो वो कहते हैं कि हमें मतलब कि अपने सेक्ट सबको बचाने के लिए इस जो डेथ गेम में भेजना ही होगा, ताकि जो उनका जो वेपन है उसको हासिल किया जा सके और इन आयरन को ख़त्म किया जा सके। ये बात सब सुन रहे होते हैं और उनको मतलब इस बात की गहराई पता लग रही होती है। तो ये सब बात सुन के जो जिन क्लैन के जो हायर होते हैं वो उठते हैं और वो उनको कहते हैं मास्टर क्लैन को कि आप कह तो रहे हैं बट आप अपनी तरफ से किसको भेजोगे, आप किसे भेजोगे इस डेथ गेम में, आप किसको भेजोगे। और ये सब बात सुन के सभी लोग वहाँ पर चुप हो जाते हैं, क्योंकि जो अंकल क्लैन होते हैं इस समय उनके दो ही नेफ्यू होते हैं, एक लावन जी और एक जेबुजुन होते हैं लैंस जैन, और जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते होते हैं। और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर वही दोनों होते हैं उनके पूरे सेक्ट में। तो जो जिन सेक्ट के जो हायर होते हैं उनका कहने का ये मतलब होता है कि आप उन दोनों में किसी एक को भेजें, पर जो अंकल कुरान होते हैं वो अपने जो नेफ्यूज को बहुत प्यार करते हैं और वो भी नहीं चाहते होते कि उनमें का जो कोई नेफ्यू जाए और उसका कुछ हो।
बट वो चुप रहते हैं और वो उस बात को वो कहने के, और वो कह देते हैं कि उनके नेफ्यू, दोनों नेफ्यू में से कोई एक जाएगा जो इस डेथ गेम में खेलने के लिए। इस बात को सुन के सभी लोग जो होते हैं वो हैरान हो जाते हैं कि जो अंकल कुरान वो हाज़िर हो गए अपने नेफ्यूज़ को भेजने के लिए, क्योंकि वो अपने जो नेफ्यूज़ हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और इस बात को सुन के जो नीक क्लान और बाकी सब क्लान होते हैं वो भी राजी हो जाते हैं अपने, मतलब कि जो हायर्स होते हैं स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स होते हैं उनको भेजने के लिए। पर जो जैन क्लान के जो होते हैं लीडर वो बिल्कुल चुप रहते हैं, क्योंकि उनका इकलौता एक ही मतलब कि रियल सन होता है, और तो वो सोच रहे होते हैं कि अब वो क्या करें, उसको भेजे कि ना भेजे, इसलिए वो चुप ही रहते हैं बट वो मना नहीं करते। तो इस मीटिंग में ये तय होता है कि सभी सेक्ट से एक एक स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर, फिर चाहे वो उनका हायर हो या फिर उनके जो बच्चे हों रियल, या फिर कुछ भी जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो उसको भेजेंगे। और वो लोग मतलब कि इस बात पे भी कर करते हैं कि वो ये ट्राई करेंगे कि सभी जितने भी होंगे कल्टिवेटर होंगे वो या तो अल्फाज हों या तो फिर बीटाज हों, कोई भी वो ओमेगा को नहीं भेजेंगे वहाँ पे। एक्चुअली ये ओमेगा वर्ड्स है, तो किसी को ओमेगा को नहीं भेजेंगे, क्योंकि जो सफ़र है ये बहुत ही मतलब कि ख़तरनाक है, और वो चाहते होते हैं कोई भी ओमेगा वहाँ पर जाए और मतलब कि खतरे का शिकार हो जाए, या फिर किसी अल्फ़ा का मतलब कि अल्फ़ा का शिकार हो जाए। तो इसलिए वो कहते हैं कि वो सिर्फ बीटाज और अल्फाज को ही भेजेंगे इसमें। तो इस बात पे सभी लोग एग्री कर जाते हैं। तो वो सभी अपने अपने क्लैन लौट जाते हैं, और जो लैंड क्लैन होते हैं वो जब लैंड साइट पहुँचते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टेंस होते हैं, क्योंकि उन्होंने कह तो दिया था कि वो अपने नेफ्यू में से किसी एक को भेजेंगे, बट वो अपने नेफ्यू से बहुत ज़्यादा प्यार करते होते हैं और वो टेंस होते हैं कि अब क्या होगा इन सब चीज़ों का, क्योंकि कहीं ना कहीं पता था कि इसका जो रिज़ल्ट है वो मतलब कि अच्छा नहीं आएगा, और वो बहुत खराब घबरा भी रहे होते हैं, क्योंकि इसी सब के जो कारण जो वांगजी और नानशान के जो फादर मदर होते हैं उनकी डेथ भी इसी उसी टाइम में ये सब इन आयरन की वजह से ही हुई थी। तो वो नहीं चाहते थे कि जो उनके जो नेफ्यू हैं वो भी मर जाएं, तो वो टेंस होते हैं। और जो लावन जी और जो जेवी जन होते हैं वो पहुँचते हैं वहाँ पर अंकल से मिलने, और उनके चेहरे की तो वो एक्सप्रेशन को देख के समझ आते हैं कि क्या बात हुई होगी। तो इस बात पर जो लैंडन होते हैं वो कहते हैं अपने अंकल को कि आप चिंता मत कीजिए, डेथ ये में खेलने के लिए मैं जाऊँगा। तो ये बात सुन के जो अंकल होते हैं वो शौक रहते हैं, क्योंकि वो जो नेक्स्ट हायर है वो जेव जून को बुलाने वाले थे, और वो चाहते हैं कि वो जाए। और उनके जो अंकल के एक्सप्रेशन है वो वांगजी पढ़ लेता है। तो वांगजी क्या करता है, वो अपने घुटनों के बल बैठता है और कहता है कि प्लीज़ अंकल मुझे परमिशन दीजिए, मैं इस डेथ गेम को खेलूँगा और जीत के जिंदा वापस आऊँगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। उसके अंकल शौक कहते हैं कि जो लावन जी है वो इतना डेस्परेट होके अपने मतलब कि घुटनों के बल बैठ के वो कर रहा है और झुक रहा है और उनसे इसकी परमिशन मांग रहा है, बट जीव जो होते हैं वो मना करते हैं। अंकजी कहते हैं कि मैं बड़ा हूँ तो मैं ही जाऊँगा, तुम नहीं जाओगे, तुम यहाँ बैठ सेक्ट सेक्ट की देखभाल करोगे और मैं जाके जाते हूँ खेलूँगा। बट जो वांग जी है वो कुछ नहीं कहता और अपने घुटनों के बल बैठा रहता है। जो अंकल होते हैं वो उसके देख रहे होते हैं कि जो वांग जी का जो डेस्परेट है वो कितना ज़्यादा डेस्परेट है इस टाइम। उसके जो उसके ब्रदर होते हैं वो मना कर रहे होते हैं, कहते हैं कि मैं जाऊँगा क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी नहीं। तो जो उसके अंकल होते हैं वो सोच रहे होते हैं वो किसको भेजे। तो इस बात पे जो वांगजी है वो खड़ा होते हुए कहता है कि आप मुझे भेजिए, मैं अपनी काबिलियत को मतलब कि दिखा जाता हूँ कि, और मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे पर पूरा विश्वास है, मुझे पता है कि मैं जो इस जाति गेम को विन करके ही आऊँगा। और उसके जो कॉन्फिडेंस को देख के जो अंकल होते हैं वो तो हैरान रहते हैं और वो इस बात के राजी हो जाते हैं, बट जो लेंशियन होते हैं बहुत मना करते हैं अपने अंकल को। बट उसके अंकल एक नहीं सुनते और कहते हैं कि वांग जी सही कह रहा है, वही जाएगा, और वो इस बात के लिए मान जाते हैं वांग जी को भेजने के लिए। और वो वांग जी कहते हैं कि तुम तैयारी करो, कुछ देर में कुछ टाइम के बाद हम फिर से मीटिंग करेंगे और उसके बाद जो बाकी सेट के जो होंगे उनको भी मतलब कि ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। ऐसा करके वांग जी उनको वो करता है और जो उसके वहाँ से निकल जाता है तो जो लेंशन होते हैं उसके पीछे पे जाते हैं वांग जी के, और वांग जी हाथ पकड़ते हुए कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँ ना कि तुम्हारी। अब मैं तुम्हें अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा, मैं कैसे सबको फेस दिखाऊंगा, कैसे मुंह दिखाऊंगा। तो जो वांग जी है वो अपने मतलब कोल्ड शांत और मतलब कि शांत आंखों के साथ एक हल्की सी स्माइल देते हुए कहता रहता है कि ब्रदर आप मुझसे विश्वास रखिए, मुझे कुछ नहीं होगा और आप इस सेक्ट के हायर हो, आपको सेट की देखभाल करनी है, आपको अंकल की देखभाल करनी है, तो जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं निभाऊंगा और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए। और वो कहता है कि मैं भी आपके जितना ही स्ट्रांग हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जीत के ही आऊँगा। तो जो उस वांगची के ब्रदर होते हैं वो भी
फिर अपना सिर ला देते हैं, और जो वांगन सी होता है वहाँ चला जाता है। और इधर जो जैन क्लैन होता है वहाँ पे तो पूरा लोटस फेयर है, पूरा ही हड़कंप मचा होता है इस बात को सुन के कि किसी एक को दर्द गेम खेलना जाना होगा, वो भी उनकी हायर और स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर में से। और जो मैडम मैडम जैंग होती हैं वो तो बिल्कुल बौखला ही गई होती हैं बात सुन के, क्योंकि उनको लग रहा, क्योंकि उनको पता था कि जंगशा को उन्हें भेजना पड़ेगा, और वो इसके लिए बिल्कुल राज़ी नहीं थे कि उनका इकलौता बेटा, उनका रियल बेटा जाए और जाके उस फालतू से गेम में जाके अपने जान दे दे, और वो उन्हें बिना मतलब कि बिना औलाद के बिना बेटे के रहना पड़े। वो इस बात की लड़ाई कर रही होती हैं मास्टर जैन से, और कह रही होती है कि नहीं चाहे जो मर्जी हो जाए बट जो मेरा बेटा है जो मैं उसे नहीं भेजूंगी। तो वो कह रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं, बस कोई ऑप्शन नहीं, हमें उसे भेजना ही होगा, बट वो नहीं मान रही होती हैं। तो फिर वो कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि एक स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर को भेजना होगा अपने सेक्ट से। तो इस बात पर जो मैडम जैंग होती हैं उनका दिमाग घूमता है, और वो कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर की बात हुई है तो कहते हैं कि हम वेंग को भेज देते हैं। तो ये बस उनके जो जो होते हैं उनके हस्बैंड वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि यार तुम क्या कह रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी वैसे कहने की। तो कहते हैं कैसी हिम्मत, मैं बिल्कुल सही तो कह रही हूँ। तो वो कहते हैं तुम्हें पता है ना वेंग 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 नहीं आ सकता, वेंग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो कहती हैं कि क्यों वेंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या वो आपका बेटा नहीं है, आपने तो उसको अडॉप्ट लिया था, हमने पूरी ज़िंदगी उसकी इतनी देखभाल की है, क्या वो हमारे लिए इतना से नहीं कर सकता है। तो फिर उसका जो उसका हस्बैंड होता है वो कहते हैं तुम ऐसा नहीं कह सकते हो। तो वो कहते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है, वो भी जा ही सकता है। तो उनके पास उनके जो अंकल जैंग होते हैं वो कहते हैं कि वो जा सकता है बट वो एक ओमेगा है, और उन्होंने साफ साफ बोला है कोई भी ओमेगा वहाँ नहीं जाएगा, वहाँ सिर्फ अल्फाज और बीटा ही जाएंगे। तो वो कहते हैं कि वो एक ओमेगा है, कौन बताया किसी को, और वो जाएगा मुझे वो, और वो ऐसे कहते हैं मुझे पूरा विश्वास है बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको कुछ नहीं होगा, वो जीत के आएगा। तो इस बात सुनके वो गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम आखिर कैसे कैसे सकती हो वेंग, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं कैसे किसी को मुंह दिखाऊंगा अपने मरे हुए दोस्त को जब मेरे मरने के बाद। तो वो कहती है उसे कुछ नहीं होगा, और गुस्से से सामान पटकते हुए कहती हैं और अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो तुम मुझे कैसे मुँह दिखाओगे। और कहती हैं कि मुझे कुछ नहीं सुनना, बस वो जाएगा और जाएगा, ऐसे कह के वो वहाँ से निकल जाती हैं। और गुस्से में पहुँचते हैं जहाँ पे जंगशा यानली और वेंग बैठे होते हैं, हंस रहे होते हैं, और जाके वेंग कहते हैं कि अपना सामान जल्दी से पैक करो, तुम्हें निकलना होगा। तो वेंग कहता है कि क्या हुआ मास्टर, क्या हुआ आपके, आप किस बात की बात कर रही हो लिटिल एन। तो लेडी जैंग तो वो कहती हैं कि देखो तुम्हें डेथ गेम खेलने के लिए जाना होगा, तुम हमारे सेक्ट को रिप्रेजेंट करोगे। ये बस उनके विंग ना होना था कि उसको डेथ गेम खेलने जाना होगा। और जंगशा होता है वो कहता है कि वो कैसे जा सकता है, वो तो एक ओमेगा है ना, तो एक अल्फा को जाना होगा ना, तो मुझे जाना होगा ना। तो जो जो होती हैं उसकी मदर वो उसका मतलब कि एक थप्पड़ मारती हैं और कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहने कि तुम जाओगे, मैंने बोला ना वेंग जाएगा। बस ये वेंग कहता है कि बट तो जो होती हैं लेडीज जैंग वो वेंग को भी एक थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं कि बकवास मत करो मेरे सामने, मैंने तुम्हें बोला ना सामान पैक करो। वो जैसे ही फिर कुछ और कहने वाला होता है कि वो अपने जीड़े निकालती हैं और वेंग को खींच के जीड़े का एक वो मारते से जो वेंग होता है नीचे गिर जाता है। और जैसे वो दूसरा बार उसको मान लगती हैं जेडिंग तो यानली उनके सामने आ जाती है और वो कहती है कि प्लीज़ आप कुछ मत करिए मॉम, आप कुछ मत करिए इनको मदर। तो जो लेडी जैंग होती हैं कहती हैं कि जल्दी से इसको तैयार करो, हमें इसको भेजना है और मैं ये मेरा आखिरी फैसला समझाई तुमको। तो वो होती हैं वो जो जैनली होती हैं वो कहती हैं कि हाँ ये जाएगा, ऐसा कह के वो तो जो लेडीज जैंग होती हैं वहाँ चली जाती हैं। और जो जैनली होती है वेंग को उठाती है, तो जो वेंग है वो कहता है कि मैं जाऊँगा तुम लोग चिंता मत करो मुझे कुछ नहीं होगा, ऐसा कह के वो चला जाता है अपने कमरे में और जाके बहुत रोता है कि जो उसकी जो अडॉप्टिव मदर है उसके साथ ऐसे बिहेव करती हैं, और वो बहुत ज़्यादा सैड होता है। इस टाइम वो अपना सामान पैक कर रहा होता धीरे धीरे क्योंकि उसे जाना होता, तो वो भी चोट लगी होती है थोड़ी सी बट ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तभी जो यानली होती हैं वो उसके कमरे में आती हैं और आके उसको कुछ मेडिसिन वगैरह देती हैं उसकी हीट वगैरह कंट्रोल करने की, और उसको मतलब कि कॉलर मतलब हिडन कॉलर पहनाती हैं ताकि किसी को पता ना चल सके, उसको जाना ही पड़ेगा। वो यानली भी इस बात की को समझ रही होती है कि वेंग को जाना ही पड़ेगा उसकी जगह पर, क्योंकि अगर वेंग नहीं गया तो जंगशा को जाना पड़ेगा, और वो चाहते और उसे पता था ही चाहे कोई भी जाए दोनों में दोनों की लाइफ को रिस्क होगा और दोनों ही उसके भाई हैं, तो वो चाहते हैं कि उनके जो भाई को कुछ भी हो चाहे फिर दोनों ही हो चाहे फिर उसका रियल हो या फिर अडॉप्टिव ब्रदर ही क्यों ना हो। तो जो यानली है उसको पूरा ख्याल रखती है, सामान पैक करती है, जंगशा होता है वो भी आता है, बट जो जो जैनिकला के जो उसके फादर होते हैं वेंग के अडॉप्टिव फादर वो नहीं आते क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो वेंग को जाते हुए देखें या कुछ भी, क्योंकि वो बहुत ही मतलब कि सैड होते हैं कि वो इस टाइम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो ये भी चाहते थे कि जो उनका जो बेटा है जंगशा उसको भी कुछ हो, और ये भी चाहते थे कि जो वेंग है उसको भी कुछ हो, बट वो जंगशा और वेंग में से वो जंगशा को ही चुनते हैं और वेंग को
जान देते हैं। तो मतलब वेंग है वो सारी पैकिंग कर लेता है, और ये अनली होती है वो उसके साथ होती है, संशय भी होता है। संशय को बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी जगह पे जो है वेंग को जाना पड़ रहा है, और उसको ये मतलब कि गुस्सा भी आ रहा था, बट वो कुछ कर नहीं पाता उसकी माँ के आगे। तो यहाँ पे जो उसकी मम होती हैं वो आती हैं और कहती हैं वेंग को कि चलो तुम्हें लेने के लिए लोग आए हैं, तुम्हें जाना होगा। तो वो अपना सिर लाता है, और जाने से पहले जो यानली होती है वो वेंग को हक करती है और उसका अपना ख्याल रखने के लिए कहती है, और कहती है एक समय समय पर मुझे संदेश भेजते रहना, और उसको कहती है तुम्हें जीत के आना है आशिंग, तुम्हें मेरी शादी देखनी है और तुम्हें बिल्कुल सही सलामत आना है। इस पर जो आशिंग वो अपना सिर लाता है, और जो जंगशा होता है वो भी उसके हाथ को पकड़ते हुए उसके सिर पर अपना उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि तुम्हें कुछ कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल जीत गया, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जैसे आदमी को कुछ हो ही नहीं सकता है। तो जो वेंग है वो भी स्माइल कर देता है, और जंगशा भी उसको अलविदा करता है। और जो जो वेंग देता है कि जो उसके फादर होते हैं वो नहीं आते उससे मिलने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर हिम्मत नहीं हो रही होती कि वो वेंग को अलविदा कर सके और अपने बेटे की जगह उनको उसको भेज सके। बट जो लेडी जैंग होती हैं वो उसको तुरंत भेज देती हैं। तो जो वेंग है आंखों में आंसू लेके वहाँ से निकल जाता है अपनी मतलब ट्रेनिंग के लिए। तो इस तरह जितने भी सेक्ट्स होते हैं सभी से मतलब कि हर सेक्ट से एक ना एक अच्छा मतलब कि जो उनका जो कल्टिवेटर होता है वो भेजते हैं, चाहे उनके हायर बेटे कुछ भी हो वो सब भेजते हैं। और उन सब की ट्रेनिंग जो होती है वो गुसु में होती है, और उनको मतलब कि उनको जो टाइम होता है टू वीक्स का टाइम होता है उनके पास, और उसके बाद जो उनको निकलना होता है डेथ गेम खेलने के लिए, तो उनकी जो ट्रेनिंग है बहुत टफ होने वाली थी। तो वो सभी मतलब निकल चुके होते हैं। तो इसी के इस पार्ट को एंड करती हूँ, नेक्स्ट पार्ट में वेंग रोहन जी की फर्स्ट मीटिंग होगी। तो उम्मीद है आपको फैन फिक्शन अच्छा लगेगा, प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये फैन फिक्शन कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइज़।